हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल टाइम टू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी एथनिक की अनस्टिच कलेक्शन, समर कलेक्शन, ईद कलेक्शन भी कह रहे हैं, लेकिन अभी इनकी कलेक्शन लॉन्च हो रही है अगेन वॉल्यूम 2, और उसका भी इंशाल्लाह भी लोग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो जी मैं आपको सूट्स दिखा रही हूँ, ये 2 पीस सूट्स हैं, लॉन्ग शर्ट है और इसके साथ में कॉटन नेट का दुपट्टा है। कॉटन नेट का जो दुपट्टा था उसका स्टफ़ बहुत फ़ाइन था, अकरा हुआ स्टफ़ नहीं था, बहुत अच्छा स्टफ़ है। और ये प्रिंट ऐसे लग रहे थे जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हो, या शर्ट के प्रिंट्स ऐसे लग रहे थे। ये देखें जी, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये ब्लैक वाला जो था, ये देखें, मैं आपको क्लोजअप व्यू देती हूँ। ये देखिए, ये चुनरी दुपट्टा था, लॉन दुपट्टा था साथ, और ये जो डबल टोन शर्ट थी और इसके साथ में कॉटन नेट का दुपट्टा था। और ये वाला देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है, ये लॉन दुपट्टा के साथ है। और ये ऑरेंज वाला पहना हुआ बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और ये देखें, ये ब्लैक ऐसे लग रहा था, लगे ये प्रिंटेड था। ये जो वाइट, ये देखें, ऐसे लग रहा था जैसे ये एम्ब्रॉयडरी हुई, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और ये मस्टर्ड कलर में भी बड़ा प्यारा लग रहा था साथ। ये कॉटन नेट का और गेंदा लुक में दुपट्टा था, जो कि आई थिंक सो कॉटन नेट ज़्यादा अच्छा रहता है कि उसको कैरी करना बहुत इजी रहता है। और ये फिरोज़ी वाला भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, ब्लॉक प्रिंट था। अगर आप ईद स्ट्रिप के लिहाज से इसके ऊपर कोई थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट यूज़ कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए, इस पर हल्का सा मिरर भी लगा हुआ है और लाइट सी एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है। ये देखें, ये भी शर्ट दुपट्टा था, इसका दुपट्टा आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ये भी एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट देखें, इसमें ऊपर ये जो मजंडा कलर में तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी हुई है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, ये जो सारा रैक है ये इनके एम्ब्रॉयडरी का था। और ये इनका 3 पीस सूट था, प्रिंटेड 3 पीस सूट्स थे। और ये भी मोस्टली ना कॉटन नेट दुपट्टा के साथ थे। बड़ी मैं आपको बेसिकली सच बताऊँ ना कि इनका कॉटन नेट का दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत फ़ाइन था। और अगर आपको थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट का वे आता है ना, तो आप इनके ड्रेसेस को बहुत अच्छा एम्बेलिशमेंट करके स्टिच करवा सकते हैं। अगर स्टिचिंग आप जिससे करवा रहे हैं ना, अच्छी से स्टिचिंग करवाएँ, थोड़े बहुत मोती तारे लगाएँ तो जी चार चांद लग जाएंगे इनके सूटों को और बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे। और ये भी 3 पीस सूट्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए प्रिंटेड सूट्स हैं। ये देखें जी, इनके प्रिंट कितने अच्छे लग रहे हैं। ये वाला ग्रे वाला ना, और इसके साथ जो फंकी से का कलर के दुपट्टे हैं वो बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए जी, कितने प्यारे लग रहे हैं, कम्बिनेशन में सूट है। और ऐसे लग रहा था जैसे मिरर लगा होता है, लेकिन वो प्रिंट था। अगर आप चाहें, आप तो बाज़ार से या लोकल मार्केट वगैरह से भी मिरर बने बनाए मिल जाते हैं, आप यहाँ पे ऐसे लगा भी सकते हैं और थोड़ा सा अपने ड्रेस को एम्बेलिश कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर वो जो ग्रे सूट गुजरे हैं उसको मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त लगा था, बहुत एलिगेंट लगा था। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखें, जो पिंक और वाइट ड्रेस था ना, और ब्लू, और ये जो स्काई ब्लू, ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। और जी, अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से करें फॉलो। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने जाने के लिए क्या करना है, आपने जी वीडियो को राइट साइड पर क्लिक करना है और जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। और जी, अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से परचेजिंग करना चाहते हैं तो आप परचेज कर लें, नहीं तो अगर आप दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो देखें। ये देखें, ये पर्पल वाला भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ब्लैक देखें कितना औसम लग रहा है, और इसके साथ शिफॉन दुपट्टा था क्रिंकल का, ये ब्लॉक प्रिंट के साथ था। देखें, पिंक और ब्लू। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।